छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि पिछले 5 दिनों में प्रदेश में 2000 के करीब संक्रमित मिले हैं। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्रदेशवासियों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की हिदायतें दी जा रही है। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन इसमें भी चुनिंदा लोगों को ही पकड़ा जा रहा है। करीब 3 करोड़ आबादी वाले छत्तीसगढ़ में अब तक 1.5% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। कोरोना काल के 11 माह से अधिक समय में 3,16,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की जद में आ चुके हैं और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे काबू में करने के लिए सरकार ने फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन इसके लिए चुनिंदा लोगों को ही पकड़ा जा रहा है। द न्यूज़ की टीम चलानी कार्यवाही का जायजा लेने गोल बाजार थाने के पास पहुंची, जहां देखा गया कि जो यात्री बगैर मास्क के वाहनों में सफर कर रहे हैं उन्हें ही रोका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पैदल यात्री बेखौफ होकर बगैर मास्क के घूम रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी चलानी कार्यवाही नहीं हुई। इसे देखकर आम लोगों का गुस्सा भी निगम कर्मियों पर जमकर फूटा। उनके लिए भी करना चाहिए भैया। अब पैदल हैं तो नहीं लगा रहे हैं, जो गाड़ी में है, जो गाड़ी में आना जाना कर रहे हैं उसी को चलान के नाम से ही पहन रहे हैं। पैदल चलने वाले को कोरोना ही नहीं होता। अभी ये लोग भी बैठे हैं, ये लोग फल सब्जी वाले लोग, ये लोग भी नहीं पहनते हैं। नगर निगम के कर्मी लोगों का चालान काटते रायपुर के लगभग सभी प्रमुख चौक चौराहों में डेरा जमाए हुए हैं। कुछ लोग मास्क तो पहनने होते हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल गलत होता है। कर्मचारी ऐसे लोगों को भी रोक रहे हैं, जो लोग मास्क से बस अपना मुंह ही ढकते हैं, नाक नहीं। लेकिन पैदल यात्रियों को लेकर इतनी छूट क्यों? ये सवाल जब चालान काट रही निगम कर्मी ममता उइके से किया गया तो उन्होंने प्रश्न को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी बार कार्यवाही हो रही है। कम से कम 5 लोग करते हैं। आप लोग करते हो? मैडम एक शिकायत जनता की तरफ से आ रही है कि जो पैदल चल रहे हैं उनको चलानी कार्रवाई नहीं। उनको भी करते हैं सर, हम लोग उनको भी करते हैं। सवाल ये है कि नियम कानून राह चलते लोगों के लिए नहीं है क्या, और क्या कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इतना ही काफी होगा? लॉकडाउन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इससे गरीबों और मध्यम वर्गों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़ते भी हैं तो लोगों को लापरवाही छोड़नी चाहिए। बहरहाल यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सरकार का निर्णय क्या होगा। द न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन होरी साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर।